जिंदगी ऐसी पहेली है जिसे शायद ही कोई सुलझा पाया है। सब इसको अपने तरीके से देखते हैं। ऐसा करना ठीक भी है, लेकिन फिर भी हमें उलझनों के बोझ में दबना नहीं चाहिए। कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, शांत रहते हुए सब कुछ करना चाहिए और जहां से हो सके मदद लेनी चाहिए। ज्योतिष आपको जिंदगी के इसी उतार चढ़ाव के लिए तैयार करता है। तो चलिए तैयार हो जाते हैं आने वाले हफ्ते के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं खास मेहमान ज्योतिषाचार्य देव शंकर शास्त्री जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी इस कार्यक्रम में। जी आचार्य जी, हम राशिवार तरीके से तो जानेंगे ही कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, लेकिन साथ में मैं पहले जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि हमने बात की थी कि शनि मार्गी हो गया है, तो ऐसे में केतु का कितना अहम रोल है और केतु को मजबूत हमें करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, रोल उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी मैं ये कहना चाहूँगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, शनि मार्गी होने से केतु का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। केतु जो है अगर नौवें भाव के अंदर में बैठा हो, तो विद्वान ने कहा है नौवें भाव के अंदर में केतु और जितना अधिक ग्रह भी बैठा हो तो बड़ा लाभकारी होता है। और केतु एक अपने आप में गुरु है, केतु एक अपने आप में गुरु है और केतु को गुरु भी कहा गया है। केतु की अगर दृष्टि अच्छी हो और केतु अगर सही सामान्य फल दे रहा हो तो व्यक्ति को बहुत ही धनवान बना देते हैं। केतु अचानक धन का लाभ देते हैं। केतु एक ऐसी प्रक्रियाओं को, एक ऐसे मंजिल को खड़ा करके रखता है जो व्यक्ति कभी अपने जीवन में सोच नहीं सकता है। केतु ऐसे गुरु के समान फल देता है, जैसे कोई शेयर बाजार से जुड़ा हुआ संबंधित कार्य कर रहा हो, कोई व्यापार से संबंधित कोई कार्य कर रहा हो किसी भी प्रकार की, तो केतु एक बहुत अच्छी सफलता प्रदान करती है। लेकिन जैसे कि शनि मार्गी हुई है तो विद्वान ने यह कहा है और ज्योतिष में है ये चीजों का, जो अगर शनि के साथ में केतु की दृष्टि पर जाए, सूर्य के साथ में केतु की दृष्टि पर जाए या गुरु के साथ में अगर केतु की दृष्टि पर जाए तो खराब माना गया है, कमजोर माना गया है। क्योंकि पाप ग्रह अगर पुण्य ग्रह से मिलता है तो आपस में टकराता है, तो इसका परिणाम किसी भी जातक के कुंडली के अंदर में अच्छा नहीं होता है। इसलिए केतु को अगर ऐसी परिस्थिति बनती है, गुलवीर जी, केतु की अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए केतु अगर कमजोर पड़ गया हो, खराब हो गया हो, तो घर में क्या समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, व्यापार में क्या उत्पन्न समस्या कर सकता है, व्यक्ति के जीवन में क्या परेशानी ला सकता है, तो केतु ये चीज है। तो केतु ये संभवतः अगर खराब है तो ऐसे परिस्थिति में सबसे पहले अगर किसी भी व्यक्ति के घर में अगर कोई जानवर है, अगर कुत्ते को कोई पाल रखे हों, उनकी सेवा कर रहा हो, तो सबसे पहले अगर केतु खराब होगा तो घर के अंदर में कुत्ता मर जाएगा। तो बिल्कुल आचार्य जी, हम ये जानेंगे आपसे कि अगर केतु कमजोर हो तो सब राशि के लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन अभी हम राशियों का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मेष राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता आप कैसा देखते हैं? जी मेष राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, जो ये हफ्ता थोड़ा सा मध्यम रहेगा मेष राशि वालों के लिए, 25 फरवरी से 3 मार्च तक का समय मध्यम देखा जा सकता है। पिता से मतभेद रहने की आसार बन रहा है, संतान के प्रति मन परेशान रह सकता है, नौकरी व्यवसाय में भी समस्या मध्यम बना रहेगा और ऐसे समय ऐसे कि जो किसी भी प्रकार की किसी संबंध में जल्दबाजी ना करें और कोई भी काम करें तो बड़ा सोच समझ करके करें, क्योंकि कोई भी परेशानी उत्पन्न ना करें, क्योंकि मेष राशि की जो ये सप्ताह है ये थोड़ा सा मध्यम रहेगा। फिर भी अगर मेष राशि वाले व्यक्ति बजरंग बली की पूजा पाठ करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा मेष राशि वालों के लिए। बिल्कुल, तो मध्यम समय है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे वृषभ राशि के जातक, उनके लिए ये सप्ताह आप कैसा देख रहे हैं? जी वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूँगा, ये सप्ताह बहुत अच्छा है, उत्तम बना रहेगा वृषभ राशि वालों के लिए, उत्तम रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका जो है सो बहुत अच्छा रहेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलने के आसार है आपका बन रहे हैं। जो भी आप ध्यानपूर्वक जो भी काम आप करेंगे वो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, नौकरी व्यवसाय सब चीज़ों के लिए। लेकिन फिर भी
कानूनी दस्तावेज अगर कोई आपके पास आता है तो बड़ा सोच समझ करके उस पे आप हस्ताक्षर करें, उस पे कोई भी साइन सोच समझ करके आप करें, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो और अपने प्रेम संबंध में भी आप मधुर बना करके रखें। प्रेम संबंध भी आपका इस सप्ताह बहुत ही अनुकूल है। फिर भी अगर कोई उपाय आप करना चाहते हैं वृषभ राशि वाले, तो शुक्र का बीज मंत्रों का अगर आप जाप करते हैं तो आपके लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, अगर समस्याएं हैं भी तो उसके उसको सॉल्व करने का तरीका भी है जो हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, मिथुन राशि के जातक, उनके लिए आप क्या देखते हैं, समय मध्यम है या अच्छा है, काम उनके बनेंगे या नहीं बनेंगे? जी, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता सामान्य रहेगा। नौकरी व्यवसाय में कमी आ सकती है। लोहे से संबंधित अगर कोई व्यापारी अगर व्यापार करते हों तो उसमें उनको लाभ मिलेगा। राजनीतिक लोगों से उठना बैठना हो सकता है, अवसर मिलेगा उनको। और प्रेम संबंध में हो सकता है, प्रेम संबंध जो चल रहा हो काफ़ी दिनों से, इस सप्ताह में उनके साथ उनकी यात्राएँ भी हो सकती है। फिर भी अगर इस सप्ताह में और अच्छा बनाना चाहते हैं मिथुन राशि वाले, तो भगवान गणेश जी का पूजा पाठ करें तो मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल, तो आपके लिए समय सामान्य है, लेकिन किस तरीके से आप उन सामान्य चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, रुके हुए काम कर सकते हैं, उसका तरीका है तो वो आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कर्क राशि के जातक, उनके लिए आप ये हफ्ता कैसा देख रहे हैं, क्या उनके लिए ये हफ्ता उत्तम रहेगा? कई हफ्तों से मैं देखता आ रहा हूँ गुलबीर जी, जो कर्क राशि वालों के लिए कई सप्ताह से जो है बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कर्क राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। और इस सप्ताह में माता से कोई धन या कोई वैभव का लाभ मिलने वाला है। धार्मिक आस्था के प्रति आपकी जो है सो रुचि बढ़ेगा। अपनी दिनचर्या नियमित रूप में जो है सो आप अच्छे से बना करके रखें। नौकरी व्यवसाय वालों के लिए बड़ा ही सप्ताह जो है सो उत्तम रहने वाला है। प्रेम संबंध में अगर हम बात करते हैं तो प्रेम संबंध भी कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह निकलने वाला है। फिर भी और भी मजबूत अगर ये सप्ताह करना चाहते हैं आप प्रेम संबंध के लिए, तो भगवान शिव की पूजा पाठ करिए, शिव पे जल अर्पित करें तो आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर हम ये जान रहे हैं कि हफ्ता कैसा रहने वाला है सभी राशियों के लोगों के लिए, और उपाय भी हम आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, सिंह राशि के जातक, उनके लिए आप ये हफ्ता कैसा देख रहे हैं? जी, सिंह राशि वालों के लिए कहना चाहूँगा ये सप्ताह आपके लिए वित्तीय लाभ, जो सप्ताह पीछे आपका बीत गया है उसके अनुसार आपको लाभ देगा। स्वास्थ्य में थोड़ा समस्या हो सकती है, आप समस्याओं से उभरेंगे। कोई अतीत से जुड़ा व्यक्ति आपसे मिल सकता है, दोबारा संपर्क में आ सकता है। इस सप्ताह के अंत तक आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, नौकरी में आपको लाभ मिलेगा, प्रेम संबंध में भी आपका मधुरता बना रहेगा। प्रेम संबंध जो है आपके लिए कटुता के कारण कई बार, व्यवस्था के कारण कई बार दिक्कत हो जाती है, तो उसमें आपको मधुरता बना रहेगा प्रेम संबंध के अंदर में भी। फिर भी अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो आप भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें तो सिंह राशि वालों के लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह रहेगा। बिल्कुल, तो अच्छा सप्ताह रहेगा और आपको ध्यान भी रखना है। आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, कन्या राशि के जातक, जिनकी कन्या राशि है वो क्या करें, उनके लिए आप क्या संदेश लेकर आए हैं? जी, कन्या राशि वालों के लिए ये सप्ताह थोड़ा मध्यम रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा पेट से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अगर नौकरी से संबंधित कोई प्रयास कर रहे हैं तो शायद और रुकना पड़ सकता है। प्रेम संबंधों में आपसी सहयोग की कमी रहेगी आपके लिए। फिर भी अगर इन सब चीज़ों को अगर आप मजबूत करना चाहते हैं, ये सप्ताह थोड़ा सा
थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी अगर इस सप्ताह में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो शनि बीज मंत्र का जाप करें 108 बार, तो आपको ये सप्ताह बड़ा मजबूत बनाएगा, आपको लाभ देगा। कन्या राशि वालों, आचार्य जी यहाँ पे अगर हम राशियों की बात करें तो ऐसा होता है कि कई चीजों में जो राशि के लोग हैं, जैसे व्यवसाय में अच्छा है, नौकरी में अच्छा है, लेकिन प्रेम संबंधों में अच्छा नहीं है। तो ऐसा देखा जाए कि एक ही समय में, एक ही हफ्ते में कुछ अच्छा हो सकता है और कुछ कुछ चीजों में आपको सावधानी भी बरतनी पड़ सकती है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कई बार क्या होता है, किसी राशि के अनुकूल ग्रह अपने लग्न के द्वारा या किसी भी भाव के द्वारा किसी व्यक्ति के ऊपर में कोई चीज, गुलविश जी, जो उसको देख रहे हैं, दृष्टि उसकी उसके ऊपर पड़ रही है, तो कुछ तो काम लाभ के लिए हो जाता है और कुछ काम कमजोर अवस्था में आ जाता है। तो ऐसे अवस्था में अगर कोई जातक सही उपाय कर लें तो उनकी वो जो कमजोर अवस्था है उसे वो ग्रह दूर कर देते हैं, वो उपाय करने से वो ग्रह मजबूत हो जाता है और मजबूती के कारण उसको एक अच्छी सफलता मिलती है, एक अच्छा वैभव प्राप्त होता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तुला राशि के जातक, उनकी कैसा रहेगा उनके लिए? जी जी, तुला राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगा ये सप्ताह बहुत ही गुड लक रहने वाला है, बहुत ही वेरी गुड, बहुत ही सुंदर समय तुला राशि वालों के लिए ये सप्ताह मिल रहा है। इस सप्ताह में आपका सब काम साथ देगा, नौकरी और प्रतिष्ठा में आपको जो है सुब्रत होगी, आसार दिख रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत बन रही है और आपके काम धंधे में एक अच्छी जो है सो उन्नति मिल रही है और इस सप्ताह में यात्रा की संभावना भी बन रही है आपके लिए। प्रेम संबंध जो अगर कोई चल रहा हो, विशेष तौर पे अगर पीछे से कोई कटुता आ रहा हो तो उसमें भी मधुरता बन रहा है। फिर भी अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तुला राशि वाले, तो फिर भी किसी गरीब को अगर भोजन कराएं, खाना खिलाएं या दान करें तो आपके लिए बहुत अच्छा ये सप्ताह निकलने वाला है। और अच्छी बात आपने आचार्य जी कही है कि दान अगर आप करें तो ये हमेशा अच्छा रहता है। और आगे हमें कार्यक्रम में दान को लेकर विस्तार से बात करेंगे कि दान क्यों इतना जरूरी है, क्यों हमें दान जरूर करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे आचार्य जी, वृश्चिक राशि के जातक, उनके लिए क्या संदेश आप लेकर आए हैं, क्या खबर है उनके लिए, कैसा रहेगा हफ्ता? जी जी, मैं बहुत सप्ताहों से मैं देख रहा हूँ जो वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह बड़ा मजबूत रहता था, इस सप्ताह थोड़ा सा समय मध्यम है, सेहत का ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके चलें और अपने वाणी पे, अपने भाषा पे जो है सो प्रयोग करके चलें, सावधानी से बरतें, कोई ऐसी चीज़ ना बोलें जिससे कि आपको नुकसान हो, आलस से बचें, आलस ना करें, वरना कोई काम अधूरा, आलस अगर आप करते हो तो कोई काम अधूरा रह सकता है। आमदनी में भी गिरावट आ सकती है, प्रेम संबंध में असमंजस की स्थिति भी बनी रहेगी, प्रेम संबंध में अगर कोई विचार खराब चल रहा है तो उसमें ना बिगाड़ें, कोई विशेष तरह के बात ना करें जिससे कि आपको नुकसान हो। फिर भी अगर वृश्चिक राशि वाले ये सप्ताह अगर आप मजबूत अपने आप को बनाना चाहते हैं तो केसर को तिलक लगाएं अपने माथे पे, केसर का तिलक लगाने से आपके ये सप्ताह बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जी जी बिल्कुल, तो केसर का तिलक आप लगाएं अगर आपको लग रहा है, उससे आपको काफी मदद मिलेगी। आगे बढ़ेंगे धनु राशि के जातक, उनके लिए ये हफ्ता क्या लेकर आया है, किस किस तरह की सावधानियां बरतनी है या फिर इतना अच्छा समय है कि सब कुछ बढ़िया रहेगा? जी जी जी, धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, मन मुताबिक काम करने से आत्मबल में बढ़ोतरी होगी और बढ़ोतरी हो सकती है और मित्रों के साथ आपका जो है सो इस सप्ताह कुछ विशेष समय बिताएंगे आप, भौतिक वस्तुओं में खर्चा हो सकता है आपका और नौकरी व्यवसाय में उत्तम रहने वाला है और प्रेम संबंध अगर पिछले सप्ताह के अनुसार आपका खराब चल रहा था तो ये सप्ताह आपका प्रेम संबंध बहुत अच्छा निकलने वाला है, मधुर रहने वाला है। फिर भी मैं धनु राशि वालों को ये कहना चाहूँगा अगर आप ये सप्ताह फिर भी अगर कोई मजबूत कार्य आप करना चाहते हैं तो गुरु मंत्रों का अगर आप जाप करें तो आपके लिए सप्ताह और भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, गुरु मंत्र का आपको जाप करना है, वैसे तो आपके लिए समय अच्छा ही है, ये पूरा हफ्ता अच्छा ही बताया है आचार्य जी ने। आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे मकर राशि की, उसके लिए क्या संदेश आप लेकर आए हैं? मकर राशि वालों की ये सप्ताह आपके लिए उत्तम रहेगा,
छात्रों को प्रगति मिलेगी, व्यवसाय के लिए प्रस्ताव आपके लिए जो है सो सफलता देंगे, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दूर होगी, प्रेम संबंध में दूरी बनने की संभावना है। अगर आप फिर भी इस सप्ताह अगर मकर राशि वाले अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो पीपल के पेड़ में अगर आप जल चढ़ाते हैं तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। चलिए आखिर की दो राशियां बची हैं जिनको सबसे आखिर तक इंतजार करना पड़ता है, कुंभ राशि के जातक। अब उन्होंने इंतजार किया है चारे जी, तो क्या आप उनके लिए हफ्ता अच्छा बताएंगे? जी 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 जी, मैं जरूर बताऊंगा। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ, इस राशि के लिए समय काफ़ी इंतजार करना पड़ता है, लेकिन कुंभ राशि वालों के लिए समय थोड़ा मध्यम रहेगा। हर कार्य को सोच समझ करके सावधानी से करें। नौकरी व्यवसाय में जरूरी विशेष तौर पे ये सप्ताह ध्यान से करें। किसी भी प्रकार की कोई आप इस सप्ताह निर्णय लें तो ध्यान से लें। प्रेम में भी अगर आप प्रेम संबंध में चल रहे हैं तो उसमें भी आप अपने आप को सावधानी बरतें, और ऐसे रखने से आपकी परिवार का समस्या भी ठीक हो सकता है। और अगर व्यवसाय नौकरी में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये सप्ताह जो मध्यम है आपका मजबूत रहेगा। फिर भी अगर आप भगवान शनि देव की अगर आप पूजा पाठ करते हैं या शनि चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। बिल्कुल, तो मध्यम समय है लेकिन आप उसको अच्छा बना सकते हैं। आखिर राशि की हम बात करेंगे मीन राशि के जातक, उनके लिए समय ये हफ्ता क्या कह रहा है? जी जी, मैं ये कहना चाहूँगा मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत देर से इंतजार में जो है मीन राशि वाले हैं। मीन राशि वालों के लिए 25 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक का जो ये सप्ताह जो है सामान्य रहेगा, लेकिन आपके रुके हुए काम पूरे होंगे, पूरे होने की पूर्ण संभावना है, स्वास्थ्य आपके पक्ष में है, और नौकरी व्यवसाय में आर्थिक जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी आपकी। उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रेम संबंध में नज़दीकियां आपके बढ़ने की परिपूर्ण संभावना है, आसार बन रहा है, और आपका ये सप्ताह जो आप मेहनत करेंगे उसके अनुसार आपकी एक अच्छी सफलता मीन राशि वालों के लिए रहेगी। अगर फिर भी मीन राशि वाले अगर आप भगवान शिव पे जल अर्पित करते हैं, भगवान शिव पे अगर आप जल अर्पित करते हैं, शिव परिवार की पूजा करते हैं, तो मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये सप्ताह। बिल्कुल, तो किस तरह का सप्ताह रहने वाला है और किस तरह का आपको ध्यान देना है, दोनों चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है। लेकिन आचार्य जी, जो हमने शुरू में बात की थी प्रोग्राम के कि केतु को मजबूत करना हो, राहु केतु शनि इन चीज़ों से लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें सही रहें उनकी ज़िंदगी में, तो अगर उनको केतु को मजबूत करना है तो हम चाहेंगे सभी राशि के लोगों के लिए आप बताएँ कि वो क्या चीज़ें करें, उनकी आदत डालें कि ये करना है हमें। जी जी जी, बिल्कुल सही बात है। मैं आपको गुलबीर जी एक चीज़ कह रहा था, जो केतु जैसे नौवें भाव के अंदर में बैठा है, उनका टकराव या तो शनि के साथ है या फिर गुरु के साथ है या फिर सूर्य के साथ है, अगर उनका आपस में टकराव है तो फिर केतु खराब परिस्थिति में है, कमजोर परिस्थिति में है। तो ऐसे स्थिति में सबसे पहले व्यक्ति जातक के घर में क्या करता है, कोई जानवर है, अगर कुत्ता है तो वो मर जाते हैं अचानक, बीमार नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, लेकिन अचानक मर जाते हैं, या कोई व्हीकल है तो खराब हो जाएगा, उसमें पैसे खर्चा होने लगेंगे, सिर में दर्द होने लगेगा, टांगों की समस्याएं उत्पन्न होगी, घबराहट बेचैनी उत्पन्न होती है। ऐसे केतु की कमजोर परिस्थिति में व्यक्ति को बहुत ही नुकसान को झेलना पड़ता है। फिर भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे परिस्थिति बन रही हो, केतु से टकराव आ रही हो, तो ऐसे परिस्थिति में अगर कोई वो उपाय करते हैं तो हर राशियों को फायदा होता है। क्या उपाय हैं वो? जी, ऐसे परिस्थिति में मंदिर जाए, मंदिर में जाकर के साफ सफाई करें। साफ सफाई करने से केतु मजबूत होता है, कमजोर जो रहते हैं वो मजबूत परिस्थिति में आते हैं, उनका प्रभाव अच्छा होता है। गुरुजनों को संत जनों को सेवा करने से उनका भी मजबूती का प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर कुत्ते की सेवा करते हैं तो भी इनके दिक्कतें दूर हो जाती है। देखो, खाना खिलाएं। जी, कुत्ते की बिस्किट खिलाएं, कोई ऐसी वस्तु खिलाएं जिससे कि केतु अगर शनि के साथ टकराव में है, सूर्य के साथ टकराव में है, गुरु के साथ टकराव में है और परिस्थिति खराब कर रखा हो, और बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था और एकदम से
व्यापार में रुकावट आ जाए, धन का लॉस हो, ऐसे परिस्थिति में केतु की उपाय करें। मंदिर जाकर के गुरुजन संत जनों की सेवा करें, जिनके करने से केतु मजबूत होता है गुलबीज जी। और केतु अगर मजबूत होता है तो व्यक्ति के जीवन में पुनः फिर से व्यापार अच्छा हो जाता है। आचार्य जी, यानी कि सेवा करनी है, अगर आपको ऐसे लगे तो आपको सेवा करनी है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हमने आपको पूरे हफ्ते का राशिफल तो बताया ही, आपकी कुंडली के बारे में बात करी, लेकिन साथ में केतु को मजबूत करने के आपको तरीके बताए हैं, आसान तरीके हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ हो रहा है तो आप इनको अपना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, ये सारी बातें हमारे साथ साझा की हैं। धन्यवाद। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही, और आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।